सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे हर नोटिफिकेशन और खबर आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जल ही जीवन है, परंतु जब जल की अधिकता कहीं पर अधिक हो जाती है तो उससे विनाश भी संभव है। ताज़ा मामला विकासखंड इकोना इलाके के अमारे भरिया गांव का है, जहां पर सरजू नहर में इस समय काफ़ी पानी छोड़ा गया, जिसके चलते सरजू नहर कटान कर रही है और वहां पर बनी सड़क को इस समय नहर अपने आगोश में ले रही है। श्रावस्ती जनपद के विकासखंड इकोना इलाके के अमारे भरिया गांव की ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर पक्की सड़क का एक तिहाई हिस्सा सरयू नहर ने अपने आगोश में समाहित कर लिया है। इतना होने के बावजूद भी सरयू नहर विभाग के किसी अधिकारी या अन्य प्रशासनिक अधिकारी ने यहां की कोई सुध नहीं ली और सब इससे अनदेखा कर रहे हैं। इकोना इलाके के अमारे भरिया गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर सरजू नहर कटान कर रही है। जब यहां पर पहुंचकर वस्तु स्थिति जानी गई तो ग्रामीणों ने बताया कि अगर यह रोड कटी तो अमारे भरिया गांव सहित लगभग आधा दर्जन गांव जल में समाहित हो जाएंगे, चारों तरफ पानी ही पानी होगा। ऐसे में यह रास्ता भी अवरुद्ध होगा, जिससे दर्जनों गांवों के लोग यात्रा करते हैं। इस पर मार्ग कट जाने के चलते आवागमन भी बाधित होगा। तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से राप्ती नदी तो जिले में तो दूसरी तरफ सरजू नहर कटान कर रही है, जिसके चलते लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं। ग्रामीण चिंतित हैं कहीं ये सड़क कट ना जाए और गांव पूरी तरह से जलमग्न ना हो जाए। विकासखंड इकोना इलाके के अमारे भरिया गांव का ये पूरा मामला है, जहाँ पर इस समय नहर की तेज बहाव ने कटाव कर रखा है, जो सड़क का एक तिहाई हिस्सा अपने आगोश में समाहित भी कर चुका है। मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में ही यह कटान हुई है। हालांकि पानी का जलस्तर आज काफ़ी हद तक घटा हुआ है, परंतु अगर पानी फिर से बढ़ता है तो कटान तेज हो सकती है और सड़क का अस्तित्व मिट सकता है। साथ ही हमारे भरिया गांव की ये तस्वीरें, यहां पर पूरी तरह से जलमग्न होने की संभावना जताई जा रही है। नहर से 150 मीटर दूर स्थित गांव के ग्रामीण इस समय परेशान हैं, उनकी चिंता उनके चेहरों पर साफ चमक रही है। इस बारे में जब ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक ना तो कोई अधिकारी और न ही सरजू नहर विभाग का कोई जिम्मेदार यहां मौके पर पहुंचा है जो कटान देख सके या इससे सुरक्षित बचाने के लिए कोई उपाय किया जाए। अभी तक इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। कौन सा गांव है? हमारे भरिया। तो क्या हुआ है यहां पे? सड़क का कितना हिस्सा कटा है? इस सड़क से कहाँ कहाँ लोग जाते आते हैं? इस रास्ते से कहाँ कहाँ जाते हैं? कौन कौन से गांव जाते हैं? तो कट गया पूरा। तब सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर यह ग्रामीणों की समस्या। ये पास खड़े हैं, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, क्या क्या समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। हम खेत पंचायत सदस्य तिवारी हमारे भैया से बोल रहे हैं और कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करता। हम लोग शिकायत भी किए, इससे जो है कटने से गांव प्रभावित हो जाएंगे। ये कौन सी नहर है? ये बढ़िया चार्जी नहर पड़ती है। और ये क्या कर रही है? समय सड़क काट रही है। सड़क काट रही है पूरा, देख लीजिए सुबह। तो ये अगर कट जाती है तो किस गांव पर ज़्यादा दिक्कत आएगी? लगभग 5 मजरा इससे प्रभावित होंगे, 5 ग्राम प्रभावित हैं इसके। मुख्य कौन सा है? हमारे भैया कल्याणपुर, ओधकुट्टी, भटपुरवा, उधर
मजदूर फिल्मों पंडित जो सब लोग आते जाते हैं, यहाँ तक कि रमापुडा का ही के लोग भी इससे आते जाते हैं। अभी मैं परसों नरसों इस रास्ते से गुजर रहा था, तो तब तक तो ये रोड ठीक थी, लेकिन कल पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था और उस कारण से रोड एक तिहाई हिस्सा, जो ये डामर रोड है, रोड का एक तिहाई हिस्सा कट गया है, जिस कारण अगल बगल के गांव जैसे भटपुरवा है, कल्याणपुर है, हमारे भरिया है, श्रीजोत है, तेंदुआ है, इनका जो ये मेन रास्ता है वो बहुत ही अवरुद्ध हो रहा है। और अगर ये रास्ता, अगर ये रोड कट जा रही है तो अगल बगल के गाँव में जल भराव इतना ज़्यादा हो जाएगा, और इसकी सूचना स्थानीय लोग और या कोई अधिकारी या कोई विधायक नेता नहीं ले रहा है, अपने संज्ञान में नहीं ले रहा है। इसको संज्ञान में लेना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ी दुविधा का कारण हो सकता है। मजनू जी, क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत है साहब, ये नहर जो है पानी ज़्यादा हो जाए, कटियात है तो पक्की दुहार तक ले जाएगी, और वो कट जाएगा तो गांव बह जाएगा। इधर कौन सा गांव है? हमारे भरिया। कितने लोग रहते हैं वहाँ? अरे यहाँ कम से कम नहीं तो 200 घर हुए हैं। तो अगर ये कट जाएगा तो पूरा गाँव साहब साफ हो जाएगी। ऐसी शिकायत किसी ने किया? ऐसी शिकायत अब साहब कैसे कहेंगे, आप कोई यहाँ आवागवा तो है नहीं, आप आवागा आप कोई अधिकारी नेता कोई नहीं आवाज। ये कौन सा गांव है? हमारे भरिया। यहाँ भी हम देख रहे हैं कटान हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है? अरे कटान होने से गांव में पानी भर जाएगा, जनधन की बहुत बड़ी हानि। पक्की में कटी है। कितना कटा है सड़क? कम से कम दो हाथ पक्की रोड कट गई। और पानी यहाँ क्या है स्थिति, पानी का बहाव? पानी का इस समय बहाव कम है, कल तक बहुत तेज था। तो अगर ये कट जाता है तो क्या नुकसान होगा? अरे गांव में पानी घुस जाएगा, मकान गिर जाएंगे, जनधन की फसल की बहुत हानि होगी, अगल बगल वो भी एक दो मौजा तक सब नुकसान होगा। सही, रास्ता कहां तक जाता है? ये रास्ता जाता है अरे बीरपुर रोड तक, कल्याणपुर तक। इस पर तो बहुत सारे लोग जाते होंगे दिन में? बहुत आवागमन चालू है इस पर।